देश की महिलाएं नए और शक्तिशाली भारत के निर्माण में कंधे से कंधा मिलाकर के चल रही है। हमारी मां बहनों का गौरव, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है। खेत से लेकर खेल के मैदान तक हमारी महिलाएं हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा ऊंचा कर रही है। सरपंच से लेकर के संसद तक हमारे देश की महिलाएं देश के विकास के लिए अपना योगदान दे रही है। स्कूल से लेकर के सेना तक हमारे देश की महिलाएं आज कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़ रही है। लेकिन जब इतनी बड़ी मात्रा में हमारी महिलाएं अपने पराक्रम से आगे बढ़ रही हो तो कभी कभी विकृतियां भी हम देख रहे हैं, और महिला शक्ति को चुनौती देने वाली राक्षसी शक्तियां भी कभी कभी उभर करके आ जाती है। बलात्कार पीड़ादायक है, लेकिन बलात्कार की शिकार उस बेटी को जितनी पीड़ा होती है उससे लाखों गुना पीड़ा हमें देशवासियों को, देश को, जनता को, हर एक को लाखों गुना पीड़ा होनी चाहिए। भाइयों बहनों, ये राक्षसी मनोवृत्ति, उससे समाज को मुक्त कराना होगा, देश को मुक्त कराना होगा। कानून अपना काम कर रहा है। पिछले दिनों मध्य प्रदेश में 5 दिन के अंदर कटनी में बलात्कारियों के केस 5 दिन चला और 5 दिन में फांसी की सजा सुनाई दी गई। उसी प्रकार से राजस्थान में भी कुछ ही दिनों में बलात्कारियों के केस चले और उनको फांसी की सजा सुना दी गई। आज ये फांसी की खबरें जितनी ज्यादा प्रचारित होगी, इन राक्षसी मनोवृत्ति के लोगों में भय पैदा होगा। हमें इन खबरों को प्रचारित करना चाहिए। अब फांसी पर लटकना तय हो रहा है, ये अब लोगों को पता चलना चाहिए, और राक्षसी वृत्ति की मानसिकता वालों को भय होना चाहिए। हमें इस मानसिकता पर प्रहार करने की आवश्यकता है, इस सोच पर प्रहार करने की आवश्यकता है, इस विकृति पर प्रहार करने की आवश्यकता है। और भाइयों बहनों, यही सोच, यही विकृति अक्षम्य अपराधों को जन्म देती है, और उसे हमें, हमारे लिए सुप्रीम है रूल ऑफ लॉ, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है। किसी को भी कानून हाथ में लेने का हक नहीं दिया जा सकता है। और परिवार में भी, स्कूलों में, कॉलेज में, प्रचार माध्यमों में हमारे बच्चों की, हमारी नई पीढ़ी फूल जैसे नादान बच्चों की परवरिश ऐसे हो ताकि उसके रगों में संस्कार हो महिलाओं का गौरव करने का, उसके दिल दिमाग में भरा हो कि महिलाओं का सम्मान ये जीवन जीने का सही तरीका होता है, नारी का गौरव ये जीने का सही रास्ता हो सकता है। ये हमें परिवारों में भी ये संस्कार देने होंगे। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।